हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ पेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। हमारा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11, जिसका लिंक आपको होम पे जाकर के मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाकर के आप देख सकते हैं उसे भी। कई बार मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, अदरवाइज आप होम पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो में। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है बाबा जी। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमें बताइए, प्लीज माता रानी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। यूनियन, यूनियन का टाइम है या यूनियन चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। ऑप्शंस, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ये कार्ड मैं शफल कर रही थी तब भी दिखा था, इंपॉर्टेंट है ये। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज डिवाइन बताएं। फैमिली इशू, प्लीज डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज डिवाइन हमें बताएं। होप, यूनियन ऑप्शन, बिग हैप्पी चेंजेस, फैमिली इशू एंड होप। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है लो, ठीक है, मनी प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है। हो सकता है आपके पार्टनर अभी कुछ करते नहीं हैं तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा करते हैं तो उनकी फैमिली को पैसा चाहिए आपसे और आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए दहेज। ठीक है, चलो देखते हैं कि इनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। ठीक है, पैसा का इशू है, फैमिली इशू है यहाँ पर उम्मीद है यहाँ पे कि यूनियन हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ बताइए। आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरीके का हो सकता है, या तो इनके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है, या कहीं पे भी कहीं फंक्शन किसी सेलिब्रेशन में हो सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन जरूर है। या तो इनको किसी तरीके की कोई अचीवमेंट मिली है इनकी ज़िंदगी में, या तो इनका जॉब लगा है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है इनके घर में एक सेलिब्रेशन का माहौल है, या फिर ये सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपके पर्सन। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, जोड़े साइन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अभी तक दिखाई दी है, बाकी सारे ही कार्ड होंगे बॉटम में, बाकी क्लैरिफायर में आ जाएंगे। तो चलो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, टेन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यस, किसी तरीके की चीटिंग, धोखा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी तरीके की, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके का। कहीं कुछ बर्डन है, कहीं कुछ चीटिंग किसी तरीके की इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है,
अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ने के लिए किसी तरीके की चीटिंग का सहारा ले सकते हैं या तो ये, ठीक है, या इनको बर्डन है कि जब तक ये पैसे वाले बनेंगे तब तक इनका प्यार इनसे कहीं चीट ना कर दे, इस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा, कलेक्टिव रीडिंग है तो जो पॉइंट्स आपकी सिचुएशन से मैच करे उसी को रखना। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके पर्सन किसी के साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, शायद वो इंसान इनकी जिंदगी में अभी नहीं है, इनसे दूर हो सकता है, तो ये फाइट बैक करने के मूड में है, उसके लिए फाइट बैक करने के लिए मूड में है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्हें पता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे प्यार की तरफ आगे बढ़ने में, बट एक फिर भी ये अपनी जिंदगी की पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनको पता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट ये उनसे फाइट बैक करने के लिए रेडी है यहाँ पे। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है। टर्न ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, टर्न ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन जिस इंसान को मिस कर रहे हैं एक्चुअली इन्हें उसके ऊपर शक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इनको धोखा दे रहा है, या तो इन्हें शक है कि धोखा दे रहा है या सच में उस इंसान ने इनको धोखा दिया हो। ठीक है, इस बात का इनको बहुत ज्यादा बर्डन है, हो सकता है इन्होंने पास्ट में धोखा दिया हो, ये भी चीज हो सकती है कि या तो इन्होंने अपने कैरियर को ज्यादा प्रायोरिटी दी और उस इंसान को अकेला छोड़ दिया, या फिर हो सकता है पास्ट में जिस इंसान को मिस कर रहे हैं उस इंसान को इन्होंने खुद ही धोखा दिया, जिस बात का इनको बहुत ज्यादा बर्डन हो सकता है। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा कि वो इंसान इनको बहुत ज्यादा धोखा दे रहा है, इस बात का इनको बहुत ज्यादा बर्डन है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक ये जिंदगी में अपने कुछ स्टेबल बनेंगे पैसे, जब तक अपनी जिंदगी के इश्यूज क्लियर कर पाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे, वो इंसान इनको धोखा दे देगा या धोखा दे दिया उसने, दे रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट उस इंसान को ये बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये न्याय मांग रहे हैं। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल इनकी जिंदगी में आ रहे हैं इस प्यार के रास्ते में, आपके पर्सन उन चीजों, ये यूनियन चाहते हैं जिंदगी में, उस इंसान के लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज डिवाइन इनकी हेल्प कर दें किसी तरीके। ठीक है, वो चाहते हैं कि या तो इनको जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल कर दें ताकि ये अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ सकें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान शायद वेट नहीं करेगा और इनसे आगे बढ़ जाएगा, या तो ऑलरेडी बढ़ गया है या बढ़ जाएगा, इनको ये डाउट हो रहा है इस तरीके का यहाँ पे। ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी चीजों को सही कर लेना चाहते हैं, ये कमिटेड है उस इंसान के लिए। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये बहुत सोच रहे हैं, तरीके से सोच रहे हैं चीजों के बारे में, सही है गलत है क्या है, सेक्रीफाइस कर दें या बने रहें इस रिश्ते में, कमिटेड हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, डिवोटेड है उस पर्सन के लिए और ये उस इंसान को चाहते हैं, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे इनकी उल्टे लटके हुए हैं, स्टक सिचुएशन है इनकी, यहाँ पे ये चीज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी के दो दो कार्ड यहाँ पे आ गए, आपके पर्सन को डाउट हो रहा है इस इंसान के साथ, जिसके साथ ये अपना एक सोल बॉन्डिंग फील करते हैं, जिसके साथ ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको ये मिस कर रहे हैं, उस इंसान के लिए इनके मन में ये डाउट है कि जब तक इनकी जिंदगी में फाइनेंसेस आएगा ये इंसान शायद अपनी जिंदगी में बेटर ऑप्शन लेकर के चला जाएगा, वो इंसान अपनी जिंदगी में अपने ऑप्शन ढूंढ रहा है। ठीक है, ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं किसी, या तो कोई इंसान पैसे के आने का तो वेट कर ही रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, यहाँ पे अपनी जिंदगी में पैसा आ जाए, प्यार आ जाए, फिर इनकी जिंदगी में सेलिब्रेशन हो, ये इस तरीके की चीजें अपने माइंड में रखते हैं, कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसके लिए ये खुद भी इमोशनल, इनकी एनर्जी भी हो सकती है कि अंदर से इमोशनल है बट इन्होंने अपने इमोशंस को हाइड करा हुआ है और अपने एक टफ जो रूप है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी यह भी है कि कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उस पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो इंसान इनसे अपना प्यार नहीं दिखा रहा, इनको अपने प्यार अपने इमोशंस को शो ऑफ नहीं कर रहा, उसने अपने इमोशंस को खुद तक सीमित कर लिया है, प्यार करता भी है कि नहीं करता है आपके पर्सन को ये भी नहीं समझ आ रहा, जिस वजह से द एम्परर की एनर्जी, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है, एरीज स्पेशली, तो ये क्या कर रहे हैं, ये फाइट बैक करने के मूड में है, थोड़ा से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा ईगो ज्यादा है इनके अंदर। ठीक है, टेम्परेंस सेजिटेरियस की एनर्जी है, ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी ये क्वीन ऑफ कप्स है जिसने अपने आप को इमोशनली होल्ड बैक कर लिया है, उस इंसान के साथ ये चीजों को सही करना चाहते हैं बट इनकी ईगो आगे आ जा रही है। ठीक है, तो ईगो के पीछे छुप जाता है मतलब इनका प्यार, ये अपनी एक हैप्पी फैमिली, ये ठीक सब कुछ ठीक करना चाहते हैं वापस से और ये चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली इनकी एक बन जाए और ये जिंदगी में जो भी कलेश चल रहा है इस कलेश से ये दूर चले जाना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी सारे ऑब्स्टिकल ये चाहते हैं कि इनकी जिंदगी से हट जाएं,
ये वेटिंग टाइम इनकी ज़िंदगी से हट जाए, इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया, ठीक है, करियर के क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी कलेश इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उनसे ये दूर जाना चाहते हैं, वेटिंग टाइम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया ज़िंदगी में करना चाहते हैं, चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और उनकी सारी विशेस पूरी हो जाएं, ठीक है। ये अपने प्यार को, इनकी इनके दिल में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, इमोशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब उस प्यार को अपनी ज़िंदगी में आगे परस्यू करना चाहते हैं और फ्लर्ट नहीं करना चाहते, बट किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं, ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बट फिलहाल खुद को बहुत अकेला, हेल्पलेस और पा रहे हैं। हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो या इनके घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, किसी को लगी हो, एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, ये एनर्जी है। ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, इनको ये डाउट है कि वो इंसान इनको धोखा दे रहा है या दे देगा, ठीक है। मुझे नहीं पता इनकी सोच ऐसी क्यों है, और अगर कोई इंसान जिस पे आप इतना भरोसा ही नहीं करते कि वो इंसान आपका वेट कर सकता है, तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में लाने का फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज जो इंसान पे आज आपको लगता है कि आप स्टेबल नहीं बन पाओगे तो वो इंसान तब तक निकल जाएगा, तो क्या गारंटी है कल को अगर आप देखो, क्योंकि ख्वाहिशों का कभी कोई अंत नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि हमें कोई चीज़ जैसे हम ये बन जाएंगे तो हम ये कर देंगे, कोई वो नहीं होता है। आज आपके पास कुछ नहीं है, आप सपोज आज आपके पास एक फोर व्हीलर नहीं, तो आप सिंपल फोर व्हीलर जो सबसे सस्ता होगा वो भी लोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट कल को अगर वो इंसान इतना नीडी है कि उसको प्यार की कदर नहीं है और वो आपका वेट नहीं कर सकता, तो क्या गारंटी है कल को छोड़ के नहीं चला जाएगा। कल को अगर उससे बेटर ऑप्शन आपसे बेटर मिला, आप एक बेसिक गाड़ी खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा लग्जरी गाड़ी खरीद सकता है वो बंदा, तो वो उसके साथ चला जाएगा। तो ये डर तो आपको हमेशा ही सताता ही रहेगा कि वो इंसान कभी भी धोखा दे देगा। ऐसे इंसान के लिए डेस्परेट होने का क्या मतलब है जिस इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, जो इंसान इतना रिलायबल नहीं है, जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, छोड़ के जा सकता है, तो ऐसे इंसान के लिए तो प्यार व्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो आपका ऑब्सेशन है ऐसे इंसान के लिए, बिकॉज प्यार जब होता है ना तो प्यार सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में आता है। प्यार में कोई किसी की भीख नहीं मांगता कभी भी किसी से, और ना ही किसी को भीख देता है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है ही नहीं जो किसी को ना तो आप दान में भीख में दे सकते हैं और ना ही ये छीन सकते हैं किसी से। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि ये दे सकते हैं आप दूसरे को, सामने वाला बंदा आपको देगा, आप सामने वाले बंदे को दीजिए, ये होता है कॉमन, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होता है, ये सिचुएशन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती ही नहीं कि एक डर है किसी तरह। जब तक किसी रिश्ते में डर है इसका मतलब कि वहाँ कोई ना कोई कम से कम एक तो है जो डिसलॉयल है, जो भरोसा इस भरोसे के लायक नहीं है, इस लायक नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सके, ठीक है। और जब तक जिस इंसान पे आप भरोसा नहीं कर सकते उस इंसान को मौका दीजिए कि वो अपने आप को इस लायक बनाए कि वो भरोसा के लायक आपके बने, तब तक उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंसान तकलीफ़ ही देगा आपको आपकी ज़िंदगी में आने के बाद भी। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि शादी हो जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। शादी करने के बाद भी लोग भाग जाते हैं दूसरों के साथ, शादी करने के बाद भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते रहते हैं, फिर तो और भी ज़्यादा ज़िंदगी कलेश और नरक हो जाती है। तो हमेशा सोच समझ के करें, ऐसा कुछ नहीं होता कि जल्दबाजी में हम कुछ कर लेंगे और फटाक से हमारी मैरिज हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक बार, नहीं, फिर आप ज़्यादा फंस जाते हो, फिर बहुत घुटन होती है, ठीक है। यहाँ पे चलो कितने लोगों को समझ आएगा पता नहीं, क्योंकि हमारा अपना अपना प्रारब्ध भी तो होता है कि हमें ज़िंदगी में कितना भोगना है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा हमारा कर्म तब तक चीज़ें समझ नहीं आती। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। कुछ कंप्लीट करना है इनको, ठीक है। 10-10 की एनर्जी है, देखो 10 of Swords एंड 10 of Pentacles की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा ऑलरेडी लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक्चुअली इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, बहुत खूबसूरत हो गए हो। इनके शक करने की वजह ये है कि आप इनके बगैर खुश हो, ठीक है। ये इन्होंने शायद आपसे डिस्टेंस बनाया हो या आपने बनाया हो, जिसने भी बनाया हो, बट आप लोगों के बीच में एक दूरी, एक डिस्टेंस है।
इस डिस्टेंस में आप लोगों के आपके अंदर जो आपके पर्सन जो देख रहे हैं, हो सकता है पास में आप काफ़ी रोते धोते थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, बट अब आपके पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ आप खुश हैं, बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे तरीके से कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ अच्छी पोजिशन पर हो, सब कुछ है, तो आपके पर्सन को, या फिर आपकी ये हो सकती है कि आपके पास एक अच्छा जॉब है, आपके पास एक अच्छी पर्सनैलिटी है, आपका एक अच्छा मतलब क्या कहना चाहिए, एक रुतबा है, तो आपके पर्सन को इसलिए भी इनसिक्योरिटी आपके लिए होती है कि वो तब तक आपके लिए आपके आप इतने अच्छे हो कि आपको कोई भी लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये डर भी आपके पर्सन के मन में हो सकता है। फिलहाल आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें धोखा दिया है, कुछ कंप्लीट हुआ है, 10-10 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, जहाँ पे चाहते हैं कि इनकी अपनी फैमिली मतलब इनके पेरेंट्स भाई बहन सब हों, आप बच्चे हों, आप हो, सब सब हों, पेट्स वगैरह, एक अच्छी लग्जरी लाइफ हो, ठीक है। ये ऐसा चाहते हैं, क्वीन ऑफ बैंक्स की तरह आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप अट्रैक्टेड हैं, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है, बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत आपके ऑरा से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, फिलहाल ये अभी मेच्योर हो सकते हैं, हो सकता है इनकी एज कम है या जो भी चीज़ है, इनके पास फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, ठीक है, पहले अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, फिर ही आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। इनकी ज़िंदगी में कैरियर इशू भी है, फैमिली इशू भी है यहाँ पे, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, कुछ स्टार्ट, अगर आपके बीच रिश्ता ख़त्म हो गया है तो आपके पर्सन वापस से चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, बट अभी शायद इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है और आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कहीं और कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे दिया है, आपने इन्हें छोड़ दिया है, अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने घर में कहीं खुश हो, किसी और के साथ, हो सकता है आप मैरिज कर रहे हो, आप बहुत खूबसूरत हो, स्टेबल हो, सब कुछ है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी बीच में ले आए हो, आपके पर्सन को टोटली पूरा एक तरीके से उन्होंने ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी ले आए हो, ऑलरेडी इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है जिसकी वजह से आप इतने खुश हो, ठीक है। ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनको आपको देख के भी यही लग रहा है कि आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, आप अपने रिश्ते पे काम कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में शादी करना चाहते हो, ऐसे इनके माइंड में, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ना चाहते हुए भी इन्होंने, ये हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई अपना बहुत खास खो दिया है, ठीक है, ये एनर्जी है। ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं बट इन्हें लग रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी मिलने में शायद इन्हें इतना टाइम लग जाएगा कि ये तब तक सब कुछ खो देंगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक अबंडेंस आए, सब कुछ हैप्पीनेस हो, सब कुछ अच्छा हो जाए इनकी ज़िंदगी में, ये चाहते हैं कि पैसे पे काम हो, शादी हो जाए, इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए, ये सब ये चाहते हैं, ठीक है। द सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सो वेंट्स की एनर्जी है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। सेम कार्ड वही रिपीट हो गए हैं पहले जो थे, ठीक है, जबकि हम आप देखते हो कि हम वहीं पे सारे के सारे आपके सफल करते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको धोखा दे दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, अब हम देखते हैं, मैक्सिमम एनर्जी तो यही है, किसी के लिए कोई खास मैसेज होगा तो वो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस वजह से इनका दिल टूट रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि आप इतनी आसानी से आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ खुश हो आप। टेन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये हालांकि अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज हो, आपके साथ सब कुछ हो जाए, इसके लिए ये फैमिली अगर इशू है तो ये फैमिली से फाइट बैक करने को राजी हैं, ठीक है, ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इनका इरादा है, ये अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई, बट इनको लग रहा है कि अब तो आप वैसे ही आगे बढ़ गए हो, पता नहीं आपको इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं बहुत हाई रिगार्ड्स में, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो, बहुत खूबसूरत हो, आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, आपको तो कोई भी ले जाएगा, ठीक है, कोई भी आपको मिल जाएगा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको किंग ऑफ पेंटिकल आपके बराबर का बनना पड़ेगा, तभी ये आपको कि आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने प्यारे हो, तो आपको अच्छे से रखेंगे ना। इनको बेचैनी इस बात की है कि अगर ये स्टेबल नहीं होंगे और अगर आपको ऐसे ही ले आए, जब इनके पास खुद ही कुछ नहीं होगा आपको देने के लिए, तो फिर आपको कैसे रख पाएंगे अच्छे से, क्योंकि आप बहुत लग्जरी लाइफ आपने जी है, आप एक बहुत अच्छे, हो सकता है बहुत वेल टू डू घर से हो, आप
आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है हमारे व्यूअर्स का, तो इनको ये लगता है कि इनको रात दिन इस बात की बेचैनी है कि अगर वो ऐसे ही आपके साथ मैरिज कर लेंगे, आपको ले भी आए जिद करके अपनी फैमिली से, तो अभी उनकी फैमिली का हो सकता है स्टैंडर्ड अच्छा ना हो, और अगर है भी तो अपनी ज़रूरतों के लिए कहाँ तक किसी और से पैसा मांगा जा सकता है। तो आपके पर्सन इसीलिए चाहते हैं कि वो खुद स्टेबल हो जाए तब आपको लेकर के अपने घर में आए, ताकि आपको बहुत अच्छे से अपने घर में रख पाएँ, ठीक है, आपकी हर ज़रूरत पूरी कर पाएँ। वो आपका जो एक ऑरा है ना, जो आपका एक स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड को वो अपने घर में भी आपके लिए मेंटेन कर पाएँ शादी के बाद भी, ठीक है। ये चीज़ है पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में स्टेबल अभी ये बहुत, या तो ये अभी इमेच्योर हैं बहुत ज़्यादा, इनकी एज कम हो सकती है, या ये पढ़ रहे हैं अभी, तो ये अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि आपको मैरिज वैरिज कुछ सॉलिड ऑफर दे पाएँ। इन्हें अभी पहले अपना कैरियर बनाना है, इनकी ज़िंदगी में ये है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पहले अपनी नीचे के पैरों के नीचे की ज़मीन स्टेबल करनी है। तो इनको ये लग रहा है कि जब तक मैं ऐसा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तब तक आपका प्यार खो दिया इन्होंने या खो देंगे, आप इमोशनली क्या होगा आगे बढ़ जाओगे अपनी ज़िंदगी में। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है या खो देंगे, इस तरीके का डर इनको लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी तो मैं कुछ बना ही नहीं हूँ, मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो आपका प्यार तो वो डेफिनेटली, अभी आप इमोशनली डिटैच हो गए हो, कल को आप इन्हें छोड़ दोगे अकेले, इनको इस तरीके की एनर्जी है, या फिर ऑलरेडी आप छोड़ चुके हो, इनका ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको लग ही ऐसा रहा है कि आपने छोड़ दिया इनको। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी विशेज को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीजें आपके बीच में, इनको ऐसा लग रहा है आपके ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी विशेज़ को पूरा करने के चक्कर में ना, ये हो सकता है आपके साथ इनकी मैरिज ना हो पाई, या आपकी मैरिज कर रहे, आप इनकी विशेज़ मतलब आपके पर्सन आपके मतलब आपकी विशेज़ पूरी नहीं कर पाएंगे, इस वजह से शायद आप इन्हें छोड़ दोगे। यहाँ पे एनर्जी है इनका, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभी आपको ऐसे ले आए, तो कल को आप जो भी डिमांड रखोगे, आपकी विशेज़ ये पूरी नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि अब आपका रिश्ता जो है वो, शादी अगर हो भी गई तो शादी टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप इनके साथ नहीं सर्वाइव कर पाओगे, या ऑलरेडी आप अपने हस्बैंड वाइफ के बीच साथ के लिए देख रहे हो, तो भी आपके पर्सन का इरादा सिर्फ इतना ही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी विशेज़ को, शादी यहाँ पे इसलिए खतरे अगर मैं पड़ी हुई है क्योंकि ये आपकी विशेज़ पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, और इनके पास फाइनेंशियल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, ये अगर है तो ऑलरेडी इनको वो खतरे में लग रही है, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उन्हें छोड़ रहे हो। और दूसरी तरफ उनका क्या है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो इनको ये लग रहा है कि शायद ये अगर आपसे कर भी लेंगे, तो शायद आपको ऐसा लगता है कि आप वो जो है वो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, इनको ऐसा लग रहा है कि तो आप शादी का, अगर शादी का सपना था तो शादी आप नहीं करना चाहते हो, वो भी ख़त्म हो रहा है, या अगर शादी हो गई है तो उस कंडीशन में आप शायद शादी ख़त्म कर रहे हो यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए वो ये नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में ये जितना कुछ करते हैं ना, वो इतनी स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी नहीं है। आपके पर्सन को फिलहाल जो लग रहा है वो बेसिक जो पूरी एनर्जी का यही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सफिशियंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। वो ना तो आपको कभी स्टेबिलिटी दे पाएंगे, ना ही आपको कभी भी पैसा दे पाएंगे, उतना आपकी ज़रूरतें आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आप उनको छोड़ रहे हो, या तो आपने इनको छोड़ दिया है, इनको ऐसा लग रहा है, तो इनको लग रहा है कि आपने धोखा दिया, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले समय में इनको छोड़ दोगे, ठीक है। क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज शायद आप उन्हें इस लायक समझते ही नहीं हो कि वो आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। बड़ी लो एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सभी की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के भी, ओह इतने सारे नेम, प्लीज डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज डिवाइन। ओ किसी तरीके का जेडिकेशन कुछ हो सकता है, ठीक है।
किसी तरीके का डिवोर्स केस आप लोगों के बीच में हो सकता है, वो भी है, लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर डिवोर्स केस कर दिया है या कर दोगे वाली एनर्जी है, ठीक है। प्लीज डिवाइन, या तो आप लोगों का ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा है, कितने लोगों का चल रहा है कमेंट करके बताना। अरे यार रुक जाओ यार, थोड़ा सा होल्ड करें प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप, प्लीज डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्रिविलेज्ड लेडी की और कोर्टशिप की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक ऐसे देखते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, आप बहुत संपन्न हैं, आपको पैतृक रूप से बहुत सारी संपत्ति मिली हुई है, इस तरीके की उनकी एनर्जी है, ठीक है। 12 नंबर एंड 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ एक कोर्टशिप चाहते हैं, वो या तो कोई बिजनेस मीटिंग आपके साथ करना चाहते हैं, या तो आप वर्क प्लेस पे एक जगह पे काम करते हो तो उसके एज ए फ्रेंड एज ए कलीग आपके साथ मिलके रहना चाहते हैं, या फिर इनका इरादा ये है कि आपके साथ एक दोस्ती करना चाहते हैं ये, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक दोस्ती अपनी कर लें जहाँ पे कोई कमिटमेंट हो, उस तरीके की बातचीत नहीं हो, बट इनका इरादा है कि आपके साथ दोस्ती करने का। मैं एक बार प्रिविलेज लेडी को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मेरे मन में कुछ डाउट था। प्लीज़ डिवाइन प्रिविलेज लेडी को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, प्रिविलेज लेडी को क्लैरिफाई करिए, यहाँ पे क्यों आया। हैंगमैन की सिचुएशन है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, या तो इनके माइंड में जैसे वो चल रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये सेक्रीफाइस, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ एक दोस्ती बनाए और अपनी फैमिली और अपनी फाइनेंशियल की इश्यूज को कम करने के लिए ये किसी ऐसे इंसान के साथ मैरिज कर सकते हैं, या उसके पास जा सकते हैं, उससे रिश्ता जोड़ सकते हैं जिसको ऑलरेडी, जिसके पास खूब सारी संपत्ति है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये आपको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, या इनके माइंड में ये है कि आप इनके साथ अब एक फ्रेंड के तौर पे ही हो खाली, और इनकी ज़िंदगी में कोई और है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई और है जहाँ पे आप अपना जो आप इनकी कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे वाला है तो आप उधर जा रहे हो वाली एनर्जी है, ठीक है। ये हैंगमैन की सिचुएशन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको सेक्रीफाइस कर रहे हो, या फिर इनका खुद का इरादा आपको सेक्रीफाइस करने का हो सकता है। फिलहाल कोर्टशिप एक दोस्ती का ऑफर कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। क्राउन चक्र डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, धोखा मिल सकता है किसी तरीके का। 7-7 की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कुछ केतु, केतु का नंबर है 7 आपका, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी नंबर है 7, तो किसी तरीके का ट्रिगर आपको मिल सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपको किसी तरीके का कोई ट्रिगर आपको दे सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी आप लोगों की हो सकती है, बट यहाँ पे कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में, या तो ये हो सकती है आप, तो ये आपका पर्सन ही आपको धोखा देने के मूड में है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास अगर कोई दूसरा ऑफर है तो ये क्योंकि आपके बराबर बनना चाहते हैं, तो हो सकता है ये कोई गलत तरीका अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाने का करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी भी है, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग में ही किंग ऑफ पेंटिकल के लिए 7 of Swords की एनर्जी आई थी, तब भी मेरे माइंड में यही बात आई थी। हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे किसी तरीके का धोखा दे सकते हैं आपको, या किसी और को दे सकते हैं जहाँ से इनको ईजिली पैसा मिल जाए, ठीक है। ये पैसा अपनी ज़िंदगी में जल्दी कमाना चाहते हैं ताकि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। क्राउन चक्रा को यहाँ पे एक्टिवेट करने की, आपका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है मेंटली तौर पर आपको, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स को आप फील नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, तो आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी में है तो उस कंडीशन में ऑलरेडी आप लोगों के आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपके पर्सन के चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, उन्होंने चेहरे पे अपने मास्क तो कुछ और लगाया हुआ है कि वो आपके दोस्त हैं, फ्रेनेमीज हो सकते हैं, फ्रेंड्स की शक्ल में एनिमीज, ठीक है, आपके दुश्मन, दोस्त की शक्ल में दुश्मन हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं इस रिश्ते में जो कि आपके ही पूर्व जन्म से आए हैं ये आपकी ज़िंदगी में रायता फैलाने के लिए, तो ये लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है।
आप अपने सारे ही चक्रास को आप बैलेंस करिए ताकि आपके पर्सन के चक्रास भी बैलेंस हो जाएं। पॉजिटिव वाइब्रेशन उनकी तरफ सेंड करिए ताकि उन्हें थोड़ी सी हीलिंग मिले, सपोर्ट मिले, क्योंकि ये इस वक्त खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ लोग हैं भी तो उनका असली चेहरा पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि वो लोग शायद आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटा पहना हुआ है, ठीक है। अब आपके पर्सन का भी ये चेहरा हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर्ड रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ व्यूअर जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आई विल टेक 3 मैसेज प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज़ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हो, अपने लिए अपनी ज़िंदगी में आपकी कोई और है जिसके साथ आप खुश हो और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, आपके पर्सन चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना। हो सकता है पास्ट में इन्होंने ही आपको डिसेप्शन दिया, धोखा दिया, आपको साथ छोड़ के गए थे, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, बट अब आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ब्रेकअप करना है मुझे, अब आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं, बिकॉज इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भी है कि इनको कुछ लग रहा है कि आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, फेथफुल नहीं हो, ठीक है। तो इस वजह से ये आपसे कहना चाहते हैं, मैं क्लैरिफाई ले लेती हूँ उस चीज़ के लिए। एंड वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इस जन्म में नहीं पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के साथ में हो, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी आई भी है। ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई करिए फाइनल शफल बाबा जी। ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई करिए। द हर्मिट की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक फ्लर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, दोस्ती करना चाहते हैं, इनका इरादा है, बट क्योंकि आप इनको मौका नहीं दे रहे हो तो ये इस तरीके की हूल आपको दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इन्हें क्या है, अपने अंदर झांकने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपसे ये वर्ड, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपसे ये बात कही हो कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है या मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमारा रिश्ता, जो भी चीज़ें इन्होंने आपको बताई हो, तो वहाँ पे अभी अपनी गलतियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन्होंने वाकई में गलती करी ऐसा करके, ठीक है। ये अपनी गलती को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्या सच में इन्होंने गलती की या जो कहा था वो सही कहा था, तो ये अपने आप को लुकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। द हर्मिट वेरगो हो सकते हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, बिकॉज बार बार पेज की बहुत ही मेच्योर सी एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पे। ये आपको एक दोस्ती का ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे पहले किया था वैसे ही फ्लर्ट करना चाहते हैं, इनका इरादा आपके साथ में ऐसा है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं। रीडिंग को सरेंडर टू डिवाइन लिखो, क्योंकि यही सबसे बेस्ट वे है मैनिफेस्ट करने का किसी चीज़ को, कि डिवाइन के ऊपर ही सरेंडर कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो आपकी दूसरों के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी है ना, कि आप अपने इमोशंस के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए अगर आप दूसरों पर डिपेंड हैं, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि पहले इन सब चीज़ों से, सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल के लाओ, खुद को इस लायक बनाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ, यहाँ पे खुद को इस लायक बनाओ, बेसिकली अपने आप को इतने इस तरीके से क्या कहना चाहिए, प्रोग्राम करो कि आपकी जो डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर है ना, ये डिपेंडेंसी ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, अपनी इमोशंस, अपनी चीज़ों के लिए आप खुद को खुद ही जिम्मेदार होइए, दूसरे इंसान के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल मत दीजिए, डिवाइन आपसे ऐसा कह रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।